हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ककड़ी की कोशिंबीर। कोशिंबीर टर्म महाराष्ट्र में सलाद के लिए यूज़ किया जाता है। ककड़ी की कोशिंबीर महाराष्ट्र का एक बहुत लोकप्रिय सलाद है। तो आइए जानते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए ककड़ी, नींबू, धनिया, हरी मिर्च, मूंगफली के दाने जिसे हमने भून लिया है, तेल और राई। इसे आप इसमें आप नारियल भी डाल सकते हैं, गीला नारियल जिसे कद्दूकस करके डाल सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसे बनाते कैसे हैं। सबसे पहले हम इसके छिलके निकाल कर इसका पाउडर बना लेते हैं। मूंगफली के दानों का हमने पाउडर बना लिया है। अब हम ककड़ी को छील कर उसे कद्दूकस कर लेंगे या फिर एकदम बारीक काटेंगे। मैं यहाँ ककड़ी को कटर से काट रही हूँ। ककड़ी काट लिए हैं। मूंगफली का पाउडर डालेंगे। इसके बाद हम इसमें कटी हरी मिर्च डालेंगे, धनिया, नींबू का रस डालते हैं, थोड़ी शक्कर डालेंगे और नमक डालकर इसे अच्छी तरह से हिला लेंगे। यदि हमें अभी सर्व नहीं करना है तो हम इसे फ्रिज में रख देते हैं और सर्व करते टाइम ही नमक डालेंगे, क्योंकि ककड़ी नमक डालने के बाद पानी छोड़ देती है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, और यदि तड़का लगाना है तो थोड़ा सा तेल लेकर उसमें राई और चुटकी भर हल्दी लेकर उसका तड़का लगा देते हैं, जिससे कि इसका स्वाद और बढ़ जाता है। तो अब हमारी ककड़ी की कोशिंबीर बिल्कुल तैयार है। आप भी इसे बनाइए और इसका आनंद लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।